समय से सरकार को अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों को अनदेखा कर रही है, अनसुना कर रही है। हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि हमें हरियाणा की तरफ से 7500 और 4000 रुपया दिया जाए और आंगनवाड़ी वर्कर है तो सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, ईंधन का बिल 1 रुपया प्रति लाभार्थी दिया जाए और डाइट काउंसलर की जो पोस्टेज सिडमौर और कांगड़ा में भर्ती की जा रही है इसे बंद किया जाए। यूनियन इसका विरोध करती है क्योंकि यह सारा काम तो हमारी सुपरवाइजर करती है और आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी वर्कर का पद खाली होने पर सहायिका को पदोन्नत किया जाए।